हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो ये है कि अगर पूरी दुनिया ये भूल गई है कि पीटर पार्कर कौन है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो फिर अब जो भी पास्ट में घटनाएं हुई हैं स्पाइडरमैन के साथ उनको अब मार्वल वाले कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब यार देखो, हम इस बात को तो क्लियरली नहीं जानते कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वो एंडिंग वाला स्पेल किस तरह से वर्क करता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि उस स्पेल की वजह से पीटर पार्कर का अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। लोगों को स्पाइडरमैन तो याद है, लेकिन उसके नकाब के पीछे का चेहरा आप किसी को भी याद नहीं। अब यार इस बात को जरा ध्यान से समझो, किसी को भी नहीं का मतलब है किसी को भी नहीं। ना डॉक्टर स्ट्रेंज को याद है, ना एवेंजर्स को याद है, ना हैप्पी को याद है, और ना ही उसके दोस्तों को याद है। और यही चीज एमसीयू के पास्ट को पूरी तरह से बदल देती है। तो यार जरा शुरुआत से शुरू करते हैं, जब से स्पाइडरमैन की एंट्री एमसीयू में हुई थी। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पहली बार स्पाइडरमैन को एमसीयू में देखा गया था आयरन मैन की टीम में, और आयरन मैन को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से अब चीजें बदल चुकी हैं, तो अब इस सिनेरियो में टोनी स्टार्क को कभी भी पता नहीं चलेगा कि स्पाइडरमैन आखिर है कौन। और जब तक उसे स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो उसे अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाएगा। और यार जब तक टोनी स्टार्क उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा, तब तक वो स्पाइडरमैन को एक नया सूट भी बनाकर नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, कहीं यही तो रीजन नहीं कि नो वे होम के आखिर में उसको अपना सूट खुद से ही सिलना पड़ गया। भाई यार बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो। लेकिन यार रुको, अभी तो आपका कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद आई स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में ही नेट को पहली बार ये पता चला था कि उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस मूवी में उसने जितनी भी और जो भी मदद की थी स्पाइडरमैन की, क्या वो सब भी अब वाइप आउट हो चुका है? तो यार अगर इसका आंसर देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि नेट पूरी तरह से सब कुछ नहीं भूला होगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे की मूवीज में हमें ये बताया जाए कि नेट अभी भी स्पाइडरमैन का पार्टनर है और वो अभी भी स्पाइडरमैन की मदद करता है, लेकिन अब शायद उसे ये नहीं पता कि आखिर स्पाइडरमैन है कौन। लेकिन दोस्तों, ये नेट वाले मामले में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है स्पाइडरमैन होमकमिंग की एंडिंग, जो कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से अब पूरी तरह से बदलने वाली है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में वल्चर को ये पता लग चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसने इस बात को एक राज ही रखा। बट यार दूसरी तरफ स्कॉर्पियन को ये जानना था कि स्पाइडरमैन आखिर है कौन। तो अब क्योंकि वल्चर भी पीटर पार्कर को भूल चुका है, तो क्या अब भी वो चुपचाप जेल में बैठा रहेगा? यार ऑब्वियसली नहीं। हो सकता है कि वल्चर और स्कॉर्पियन एक साथ टीम अप कर ले और जानने की कोशिश करे कि आखिर जिस स्पाइडरमैन की वजह से वो जेल में कैद है, उसके पीछे का इंसान कौन है। और दोस्तों, अगर मेरा ऐसा सोचना सही है, तो आगे जाकर कभी ना कभी वल्चर और स्कॉर्पियन दोबारा से हमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग अपना फोकस थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि यार अब मामला थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स भी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अब दोस्तों, अभी से थोड़ी देर पहले हमने ये जाना कि शायद स्पाइडरमैन कभी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का हिस्सा जरूर हो सकता है, क्योंकि अब इन्फिनिटी वॉर में कुछ ऐसा हुआ था कि पीटर एक बस में जा रहा था और उसने देखा कि बाहर एलियंस आ गए हैं, और इसलिए वो एवेंजर्स की मदद करने के लिए चला गया। तो हो सकता है कि अपनी इस नई टाइमलाइन में भी वो आयरन मैन को उसी तरह बचाएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए भी स्पेसशिप के अंदर उसी तरह से जाएगा। लेकिन क्या अब इस नए सिनेरियो में आयरन मैन उसे एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनाएगा? क्योंकि अब इस सिचुएशन में तो वो पहली बार मिला है स्पाइडरमैन से, ना वो उसको जानता है ना पहचानता है, तो यार फिर वो क्यों बोलेगा उसको कि आ जा बेटा एवेंजर बन जा। और चलो मान लो कि स्पाइडरमैन की ताकत और फुर्ती देखकर आयरन मैन उसको एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बना भी देता है, तब क्या फिर भी उसके और स्पाइडरमैन के बीच का रिश्ता वैसा बन पाएगा जैसा कि पहले था? ऑफ कोर्स नहीं। और यार ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो एवेंजर्स एंड गेम की कहानी को भी पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल करने का रिस्क लिया था सिर्फ एक इंसान के लिए, और वो इंसान कौन था ये आप लोग अच्छे से जानते हो, अपना स्पाइडरमैन। तो अब अगर इस नए सिनेरियो के वजह से टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर की मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो टाइम ट्रेवल करने का रिस्क आखिर किसके लिए उठाएगा? क्योंकि यार स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद भी ये क्लियर है कि आयरन मैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और यूनिवर्स को बचाया है, लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद उसे ऐसा करने के लिए मोटिवेशन कहां से मिला होगा? तो यार अब इसका कोई क्लियर आंसर चाहिए तो वो तो हमें केविन चाचा ही दे सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी थियरी है कि शायद पेपर पॉट्स ने ही टोनी स्टार्क को ऐसा करने के लिए मनाया होगा। अब यार ये कितना सही और कितना गलत ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ मेरी एक थियरी है। तो यार अब एवेंजर्स एंड गेम के बाद आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। यार पॉइंट वाइज बताता हूँ, एडिट ग्लासेस स्पाइडरमैन के पास नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टोनी स्टार्क कभी भी एडिट को पीटर पार्कर के लिए बनाएगा ही नहीं।
हैप्पी स्पाइडरमैन को भी जानता है और एंट मे को भी जानता है, बट आखिर कैसे? नो आइडिया। बस एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि क्योंकि स्पाइडरमैन एवेंजर्स का पार्ट था तो उसी के वजह से वो एंट मे को जानता होगा। और यार इसके अलावा एक और चीज है, मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एडिट ग्लासेस के लिए ही पीटर पार्कर को चुतिया बनाया था, तो अब जब इस नए सिनेरियो में एडिट ग्लासेस पीटर पार्कर के पास है ही नहीं, तो अब वो सारे इवेंट्स जो हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखे थे वो सारे इवेंट्स अब किस तरह से कंप्लीट हुए होंगे उसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो यार कमेंट्स में बता देना। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोलूं, ये मार्वल है और इसलिए हम लोग मार्वल पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये होप भी लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इन सवालों के जवाब भी मिल ही जाएंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी भी कुछ थियरीज है इस बारे में तो उसे कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।